प्यारे बच्चों, दसवीं कक्षा के गणित की पुस्तक एनसीईआरटी प्रश्न प्रदर्शिका के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे और इसके लिए हम एनसीईआरटी प्रश्न प्रदर्शिका की प्रश्नावली 1.4 के 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आइए प्रश्नावली 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है कि दर्शाइए कि 6Q+R के रूप का एक धनात्मक पूर्णांक का घन भी, जहाँ Q एक पूर्णांक है तथा R बराबर 0 है, 1, 2, 3, 4 या 5 है, 6M+R के रूप का होता है जहाँ M एक पूर्णांक है। तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा आसान भाषा में समझिए कि आपको एक धनात्मक पूर्णांक दे रखा है जो कि 6Q+R के रूप का है और कहता है कि इसका घन यानी इसकी जो पावर 3 है, अगर उसको आप सोल्व करोगे तो ये 6M+R के रूप का होगा। यहाँ पर Q और M दोनों क्या पूर्णांक है और R की वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक है। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक 6Q+R के रूप का दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है और ए बराबर क्या है 6Q+R और आर बराबर क्या दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4 या 5 है और क्यू एक क्या है यहाँ पर पूर्णांक है, क्यू एक पूर्णांक है, ये चीज आपको दे रखी है। अब आपको शो ये करना कि इसका घन जो है वो 6M+R के रूप का होगा। तो पहले हम A का घन कर लेते हैं यानी 6Q+R का घन कर लेते हैं। अब घन का सूत्र आपको आना चाहिए, तो A+B के घन का सूत्र जो है, अगर आप भूल गए हो तो मैं यहाँ पर दोबारा से याद करवा देता हूँ आपको कि A+B का घन क्या होता है, A^3 + B^3 + 3A²B + 3AB²। अब देखिए कि इस सूत्र को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहां से अगर कंपेयर करें A+B का होल क्यूब तो यहाँ 6Q+R का होल क्यूब है, तो A की जगह पर क्या है 6Q है और B की जगह पर क्या है हमारे पास R है। तो राइट हैंड साइड में जहां पर भी A है वहां 6Q रख देंगे और B है वहां पर R रख देंगे, तो A³ यानी 6Q का क्यूब प्लस B³ यानी R का क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला A² यानी 6Q का स्क्वेयर इंटू बी, बी का मतलब आर, ये डॉट लगा इसका मतलब गुणा है, ये 3 फार्मूले वाला प्लस ए इंटू सॉरी मल्टीप्लाई बाई ए यानी 6Q इंटू B² यानी आर का स्क्वेयर। ठीक, तो ये आ गया 6Q³ यानी 6Q की 3 बार गुणा है 6Q × 6Q × 6Q। ठीक, प्लस में R³ प्लस में 3 गुणा में 6Q² है तो 6Q की 2 बार गुणा हो जाएगी इंटू आर। ठीक, प्लस 3 गुणा में 6Q गुणा R². ठीक, अब देखिए कि यहां पर 4 टर्म आ गए हमारे पास। टर्म हमेशा प्लस या माइनस से अलग अलग होती है, आपको पता है एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी ये और चौथी ये। तो यहां से देखिए इस टर्म में से, इसमें से और इसमें से, इन तीनों टर्म्स में से मैं क्या है कि 6 कॉमन ले सकता हूँ। क्या चीज कॉमन ले सकता हूँ, अंक 6 इसमें से कॉमन ले सकता हूँ। अगर इनमें से 6 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, ये 6 कॉमन आ गया, बाकी सारा अंदर बच गया 6×6=36 और क्यू 3 बार है तो Q³। ठीक, एक बार R² को मैं लास्ट में लिख दूंगा, पहले यहां से एक 6 कॉमन ले लिया, तो ये वाला 6 मान लिया मैंने कॉमन ले लिया, 3×6=18 Q²R, और फिर यहां से 6 कॉमन ले लिया मैंने तो ये बच गया आपके पास 3Q²। ठीक, तो
प्लस में आर क्यूब। ठीक, तो अब देखिए कि यहां से 6 क्यूब प्लस आर का घन जो है हमने किया तो ये इस रूप का आ गया। हमें सिद्ध क्या करना है कि 6m प्लस आर के रूप का होगा ये। तो अब देखिए हम एक एक केस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले r इज इक्वल टू 0 लेकर के यहाँ पर रखेंगे, फिर r इज इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, और फिर हम ये शो करते जाएंगे कि अगर r इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये 6m प्लस 0 के रूप का होगा, r इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये 6m प्लस 1 के रूप का होगा, 2 रखते हैं तो 6m प्लस 2 के रूप का होगा। इसी तरह से आगे तक चलते जाएंगे। अगर r की जगह 5 रखें तो ये 6m प्लस 5 के रूप का होगा। तो इस रिजल्ट में ही हम r की वैल्यू रखते जाएंगे। ठीक, तो यहां पर पहला केस डिस्कस कर लेते हैं कि स्थिति एक कि यदि r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो 6q प्लस r का घन यानी a का घन जो है वो किसके बराबर होगा, 6q प्लस r का घन जो है वो 6 × 36 q³ प्लस 18q² और r की जगह आपने क्या रखना, 0 रखनी है, प्लस 3q और r का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस में r क्यूब यानी 0 का क्यूब। तो यहां से देखिए कि 6 × 36 q³। अब देखिए 0 × something ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस में भी 0 हो गया। ठीक, तो अब यहां पर क्यों क्या है, पूर्णांक, तो पूर्णांक का घन भी पूर्णांक, और पूर्णांक को 36 से गुणा करोगे तो भी पूर्णांक होगा। तो 36q³ को मैं m कह देता हूं, प्लस में 0। ठीक, तो देखिए r को आप 0 मान के चले थे तो ये 6m प्लस r के रूप का हो गया। ठीक, जो किसके रूप का है, 6m प्लस r के रूप का हो गया। ठीक, जहां पर m क्या है, m 36q³ है, यहां पर मैं लिख देते हैं, जहां m जो है वो 36q³ है और r बराबर 0 है। ठीक, तो जैसे हमने स्थिति एक डिस्कस की है r इज इक्वल टू 0 के लिए, इसी तरह से हम बाकी स्थितियां डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आपको याद रखना है यहां पर कि 6q प्लस r का जो घन है वो इस रूप का आया है, और इसी रूप के अंदर हम r की वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब दूसरी स्थिति में देखिए, स्थिति सेकंड में r इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, r इज इक्वल टू 0 ले लिया, अब 1 की बारी है। ठीक, तो 6q प्लस r का घन या 6 × 36q³ प्लस 18q² × 1 प्लस 3q × 1 का स्क्वायर प्लस r क्यूब। r कितना लिया अपन, 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 6 × 36q³ प्लस 18q² और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये 3q ही रहेगा, प्लस 1 का क्यूब 1 होता है। तो अब 6 और ये सारा हो गया m प्लस 1। ठीक, तो ये 6m प्लस r के रूप का हो गया, जहां m बराबर क्या हो गया, 36q³ प्लस 18q² प्लस में 3q और r बराबर क्या है, r बराबर 1 है। ठीक, इसी तरह से हम थर्ड स्थिति डिस्कस करेंगे। हम कुछ बच्चे वीडियो स्किप करने की सोच रहे होंगे, लेकिन एक स्थिति आप देख ले, बाकी मैं आपको यहाँ पर सारा सोल्व दिखा दूंगा। ठीक है, तो स्थिति थर्ड जो है उसमें हम r इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में जाकर के अलग आएगा, वो ध्यान से देखना आपने कि 6q प्लस r का घन, तो इसी में पुट करेंगे 6 × 36q³
प्लस 18 गुणा में क्यू स्क्वेयर आर की जगह 2 रखा हमने, ठीक, और प्लस में 3 क्यू इंटू आर का स्क्वेयर है तो यहाँ पर 2 का स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस आर क्यूब है तो 2 का क्यूब, ठीक, तो ये हो जाएगा 6 गुणा में 36 क्यू की पावर 3 प्लस 18 तो 36 क्यू स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4, 4 3 12 क्यू, और 2 की पावर 3 हो गया 8, 2 की पावर 3 कितना है 8, तो ये तो 6 एम प्लस 8 के रूप का हो गया, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, 6 एम प्लस 2 का रूप सिद्ध करना है। तो अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं यहां पर, इतना इतना तो सेम रिपीट कर देता हूं, ठीक, प्लस 12 क्यू, और इस 8 को मैं लिख देता हूं 6 प्लस 2, ठीक, 8 को क्या लिख दिया मैंने 6 प्लस 2, अब इस 6 में से इसमें से 6 फिर कॉमन आ जाएगा, 36 क्यू की पावर 3 प्लस 36 क्यू स्क्वेयर प्लस 12 क्यू प्लस 1, ये 6 अंदर ले लिया मैंने, ठीक है, ब्रैकेट के वो यहां से 6 कॉमन आ गया है, ठीक, प्लस में 2, ओके। तो यहां से देखिए कि ये 6 और ये सारा m प्लस r के रूप का हो गया, ठीक, जो 6 m प्लस r के रूप का है, तो m बराबर क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला सारा लिख देना यहां पर, ठीक, और r क्या है, r बराबर 2 है, ठीक। तो इसी तरह से जब आप तीसरी स्थिति डिस्कस करोगे, तीसरी स्थिति में r r बराबर क्या लेना, आपने 3 लेना है, ठीक, तो r का घन करोगे तो 3 का घन आएगा, 3 3 9 30 27 आएगा, ठीक, और लास्ट में जैसे 8 को आपने 6 प्लस 2 लिखा है ना, 27 को आपने लिखना 24 प्लस 3, ताकि एक 6 के पाड़े में आ जाए और हम उसमें से 6 कॉमन ले सके, प्लस 3 r बराबर 3 ही तो है, तो 6 m प्लस 3 के रूप का हो जाएगा। इसी तरह से जब आप r बराबर 4 लोगे तो r बराबर 4 अगर हम लेते हैं तो r का जो घन है वो कितना हो जाएगा, 4 का घन, तो कहें 4 3 12 कर दो इसको, 4 गुणा 4 गुणा 4 है, 4 चौके 16 चौके 64 है, तो 64 को आपने दो टुकड़े बनाने हैं कि एक तो 6 के पाड़े में आ जाए, प्लस में कुछ और लिखा जाए, तो 60 प्लस 4 है, सिंपल सी बात है, तो 60 तो इस तरह से जैसे 6 अंदर गए उसी तरह से 60 अंदर जाकर के उसमें से 6 को मना जाए, 10 आ जाएगा, ठीक, प्लस में 4, तो ये प्लस में 4 आ गया, तो r बराबर 4 और m आप यहां से आप लिख दोगे, ठीक। इसी तरह से 5 अगर ले r बराबर 5, तो बाकी देखिए यहां पर कोई लंबा चौड़ा चेंज नहीं होना, यहां तो आपने सिर्फ r की वैल्यू रखनी है, बस लास्ट वाला स्टेप को ही चेंज करते रहना, आपने r बराबर 5 लोगे तो r क्यूब कितना हो जाएगा, 125, 125 को 120 प्लस 5 लिखोगे, यहां से 6 कॉमन आ जाए, प्लस में 5 फिर बच जाएगा आपके पास, ठीक। यदि आपको समझ नहीं आया है तो जस्ट एक सेकंड में आप वीडियो पॉज करके आप बाकी स्थितियां देख सकते हैं स्क्रीन से। तो यहां से स्थिति 4 देखिए, मैंने r इज इक्वल टू 3 लेकर के r की वैल्यू पुट की है, लास्ट में 27 है, 27 को 24 प्लस 3 लिख दिया, और फिर 24 को अंदर ले जाकर के इसमें 6 कॉमन ले लिया, 6 चौके 24 बचेंगे ना, प्लस में 3, तो ये 6 एम प्लस 3 के रूप का, 6 एम प्लस r के रूप का हो गया, जहां पर m ये है और r ये है। इसी तरह से स्थिति 4 को भी हमने डिस्कस किया है, यहाँ r इज इक्वल टू 4 रखा और लास्ट में 4 चौके 16 चौके 64 जहां पर आया, तो 64 को मैंने 60 प्लस 4 लिख दिया, फिर 60 को ब्रैकेट के अंदर लेकर के इसमें 6 कॉमन ले लिया, 6 दाए 60, ठीक, तो लास्ट में 6 एम प्लस आर के रूप का आ गया, जहां एम ये और आर बराबर 4 है। और इसी तरह से लास्ट में मैंने आर इज इक्वल टू 5 लेकर के स्थिति डिस्कस कर दी है। यहाँ पर 5 का घन 125 होता है, 125 को 120 प्लस 5, 120 में 6 कॉमन लेंगे तो 20 आ जाएगा, प्लस में 5, तो ये 6 ये m प्लस r, ओके। तो इस तरह से देखिए कि हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, तो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको, कि यहाँ पर आपने क्या करना, 6 क्यू प्लस r का घन करना है। घन करने के बाद आपके पास एक जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगी,
ठीक, 6q+r बराबर ये वाला आ जाएगा, यहाँ पर r की वैल्यू पुट करते जाना आपने, ठीक, और स्थितियां डिस्कस करते जाना है। अब आगे देखिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया, सिद्ध कीजिए कि n, n प्लस दो और n प्लस चार में से एक और केवल एक ही तीन से विभाज्य है जहां n कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। तो अब ये कहता है कि अगर n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो अगर n तीन से विभाजित हो गया तो ये दोनों तीन से विभाजित नहीं होंगे, सिर्फ इन तीनों में से एक ही तीन से विभाजित होगा। इसी तरह से अगर ये तीन से विभाजित हो गए तो ये दोनों नहीं होंगे, और ये तीन से विभाजित हो गए तो ये दोनों नहीं होंगे, ठीक, यानी इन तीनों में से सिर्फ एक ही तीन से विभाज्य होगा। तो n यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक धनात्मक पूर्णांक दे रखा है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे शो करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार n जो है वो n तीन एम, तीन एम प्लस एक या तीन एम प्लस दो के रूप का हो सकता है। ओके, तो अब हम केस डिस्कस करेंगे, यानी किसी पूर्णांक n को अगर तीन से भाग दे तो ये इसी स्वरूप का हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यदि n को तीन से भाग देने पर यह इसी स्वरूप का हो सकता है। तो अब हम स्थिति एक डिस्कस करेंगे कि यदि n बराबर क्या हो, तीन एम हो, तो अगर n बराबर तीन एम हो तो हमें देखना है कि n किसके बराबर होगा, n प्लस दो किसके बराबर होगा, n प्लस चार किसके बराबर होगा। तो n बराबर तीन एम तो दे रखा है, और ये हो जाएगा तीन एम प्लस दो, और ये हो जाएगा तीन एम प्लस छ, सॉरी तीन एम प्लस चार, क्योंकि n की जगह तीन एम रखना है ना। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा पूरा तीन से विभाज्य है, इसको देखिए तीन से भाग देंगे दो शेष बच रहा है, इसको तीन से भाग दे दो चार से शेष बच रहा है। तो यहां पर केवल n जो है वो तीन से विभाज्य है, तो यहां पर ये लिख देते हैं तीन से विभाज्य है, ये तीन से विभाज्य नहीं है, और ये भी तीन से विभाज्य नहीं है। तो यहां केवल n ही तीन से विभाज्य है। अब ये तो हमने पहली स्थिति डिस्कस कर ली, अब दूसरी स्थिति में n बराबर तीन एम प्लस एक लेते हैं, स्थिति दो। दूसरी स्थिति में यदि n बराबर तीन एम प्लस एक हो तो भाई, तो n बराबर तीन एम प्लस एक हो जाएगा, n प्लस दो डिस्कस करना ना, तो ये तीन एम, n की जगह तीन एम प्लस एक रखा, प्लस में दो, तो ये हो गया तीन एम प्लस तीन, ठीक। तो यहां से पहले कट गया था ये, दोबारा देखिए कि n बराबर तीन एम प्लस एक, और दूसरा हमें n प्लस दो डिस्कस करना है, तो n की जगह क्या रखा मैंने, तीन एम प्लस एक, प्लस में दो वाला ये, तो ये आ गया तीन एम प्लस तीन। तो यहां से तीन कॉमन ले लीजिए आप, m प्लस एक, और अगला हमें डिस्कस करना था n प्लस चार, तो n की जगह रखा तीन एम प्लस एक, और प्लस का चार ये हो गया, तो ये हो गया तीन एम प्लस पांच, पांच को मैं लिख देता हूं तीन प्लस दो, ठीक। तो यहां पर तीन कॉमन लूंगा तो ये एम प्लस एक प्लस दो, ठीक। तो यहां से आप देख रहे हो कि तीन गुणा समथिंग प्लस एक है, यानी शेष एक है, तो तीन से विभाज्य नहीं है, तीन से विभाज्य नहीं है। अब ये देखिए कि तीन गुना
समथिंग है, प्लस में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब तीन से विभाज्य है। ठीक, और ये देखिए तीन गुणा समथिंग प्लस दो दो से ऐसा, तो इसका मतलब तीन से विभाज्य नहीं है। तो यहां पर भी हम दूसरे केस में भी देखते हैं कि सिर्फ एक संख्या एन प्लस दो ही तीन से विभाज्य, बाकी दोनों तीन से विभाज्य नहीं है। तो पहले केस की तरह से यहां पर हम लिख देंगे कि यहां केवल एन प्लस दो ही तीन से विभाज्य है, यहां केवल एन प्लस दो ही तीन से विभाज्य है। ठीक, अब इसी तरह से हम तीसरा केस डिस्कस कर लेंगे कि तीसरे केस में देखिए कि हम n बराबर क्या ले लेते हैं, तीन एम प्लस दो, स्थिति तीन में n बराबर क्या लेते हैं, तीन एम प्लस दो, और फिर हमें डिस्कस क्या करना है n के बारे में, n प्लस दो के बारे में और n प्लस चार के बारे में। तो n तो कितना होगा, तीन एम प्लस दो, तो आप यहां देख रहे हो कि ये तीन से विभाज्य नहीं है, और n की जगह तीन एम प्लस दो रखा, प्लस में दो इसका हो गया, तो तीन एम प्लस चार आ गया। ठीक, तीन एम प्लस चार को मैं लिख देता हूं तीन प्लस एक। ठीक, तो इन दोनों में से फिर तीन कॉमन आ जाएगा, एम प्लस एक प्लस एक। तो आप देख रहे हो कि यहां पर एक शेष बच गया, तो इसका मतलब ये भी तीन से विभाज्य नहीं है। एन प्लस चार में करेंगे तो एन की जगह क्या रखना अपने, तीन एम प्लस दो प्लस में चार, तो ये आ गया तीन एम प्लस छ। तो यहां से तीन कॉमन आ जाएगा एम प्लस दो, तो ये देखिए कि तीन से पूरा पूरा भाग हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये तीन से विभाज्य है। तो यहाँ इसमें भी हम ये लिख देंगे कि यहाँ केवल एन प्लस चार ही तीन से विभाज्य है। तो जहां पर मैंने कांटे लगाए वहां पे आपने लिखना है कि तीन से विभाज्य नहीं है, तीन से विभाज्य नहीं है। जहां ठीक लगाया वहां पे आपने लिखना है कि तीन से विभाज्य है, और लास्ट में लिखना है कि यहाँ केवल एन प्लस चार ही तीन से विभाज्य है। तो अतः एन एन प्लस दो और एन प्लस चार में से एक और केवल एक ही तीन से विभाज्य है। तो लास्ट में अतः लिख करके आपने क्या करना है कि एन एन प्लस दो और एन प्लस चार में से एक और केवल एक ही तीन से विभाज्य है, जहां एन कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये चीज आपने लिख देनी है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये सम पूरा हो जाता है। तो आपने क्या करना, पहले तो एन के तीन रूप लेने हैं, और इन तीनों रूपों को आपने एन एन प्लस दो और एन प्लस चार में रख कर दिखाना है। ठीक, तो अगर कोई पूरा तीन गुणा समथिंग आ गया, प्लस में कुछ नहीं बचा, तो तीन से विभाज्य, प्लस में कुछ बच गया तो विभाज्य नहीं है। प्लस में कुछ बचने का मतलब है कि शेष बच गया, शेष बच गया तो इसका मतलब वो तीन से विभाज्य नहीं है। शेष अगर जीरो बचता है तो ही वो तीन से विभाज्य होता है। अब अगला क्वेश्चन सेम सेकंड की तरह से ही है। यहाँ पर कहता है कि तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से एक पूर्णांक तीन से अवश्य ही विभाज्य होना चाहिए। तो तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आप ले लो n, n प्लस एक और n प्लस दो, और उसी तरह से तीन स्थितियां आपने डिस्कस करनी है कि स्थिति फर्स्ट में तो आपने क्या लेना है कि देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक तीन एम, तीन एम प्लस एक या तीन एम प्लस दो के रूप का होगा। पहली स्थिति में एन इज इक्वल टू तीन एम ले लो, तीन एम ले लोगे तो एन बराबर तो तीन एम आ गया, एन प्लस एक तीन एम प्लस एक के रूप का हो गया, और एन प्लस दो जो है तीन एम प्लस दो के रूप का हो गया। तो यहां से आप देख रहे हो कि ये तो तीन से विभाज्य है, ये दोनों तीन से विभाज्य नहीं है। ठीक, तो यहां एन जो है वो तीन से विभाज्य है, यहां एन तीन से विभाज्य है। तो ये आपने यहां पर लिख लेना, टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूं कि जहां ठीक का लगा दिया तीन से विभाज्य, जहां मैंने आगे से काटर लगा इसको तीन से विभाज्य नहीं है।
अब अगर हम स्थिति दो पर विचार करें तो यहां पर n इज इक्वल टू क्या लें, 3m प्लस 1 लें, तो n बराबर तो 3m प्लस 1 हो गया, तो ये विभाज्य नहीं है। n प्लस 1 लेंगे तो ये 3m, n की जगह 3m प्लस 1 और 1 प्लस 1 इसका खुद वाला हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका 3m प्लस 2, 3 से भाग देने के बाद 2 से इस बचे, इसका मतलब ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। और n प्लस 2 की अगर हम बात करें तो n की जगह आपने रखा 3m प्लस 1 प्लस में 2 इसका, और 3m प्लस 3, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, m प्लस 1, तो 3 गुना समथिंग प्लस 0, इसका मतलब 0 शेष है, तो ये 3 से विभाज्य है, ठीक। तो यहां पर n प्लस 2 3 से विभाज्य है। अब इसी तरह से तीसरी स्थिति डिस्कस कर देंगे हम, कि स्थिति 3, तीसरी स्थिति में n बराबर आपने क्या लेना, 3m प्लस 2, 3m प्लस 2 लोगे तो ये 3m प्लस 2 हो जाएगा, ये विभाज्य नहीं होगा, ये 3m प्लस 3, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, ये विभाज्य हो जाएगा, और ये 3m प्लस 2 तो 4 हो जाएगा, 3 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक। तो तीनों स्थितियां डिस्कस करने के बाद आपने लिखना है कि अतः 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से एक पूर्णांक अवश्य ही 3 से विभाज्य होता है, ठीक। और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप सेकंड की तरह से लिख सकते हैं। अब आगे पांचवा क्वेश्चन जो है वो सेकंड और थर्ड से मिलता जुलता है, इसलिए मैं इसको पहले डिस्कस करवा देता हूं, उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। कि यहां पर ये कहता है कि दर्शाइए कि n n प्लस 4 n प्लस 8 n प्लस 12 और n प्लस 16 में से एक और केवल एक ही 5 से विभाज्य होता है। तो देखिए 5 से विभाज्य होने वाला कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो 5m, 5m प्लस 1, 5m प्लस 2, 5m प्लस 3, 5m प्लस 4 इस रूप का हो सकता है, ठीक। n के जो संभव मान है वो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। तो अब आपने पहली स्थिति लेनी है और यहाँ n बराबर क्या लेना, 5m लेना है, और फिर ये लेकर के आपने n, n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12 और n प्लस 16 इसको डिस्कस करना है। तो n बराबर 5m, ये 5m प्लस 4, 5m प्लस 8, 5m प्लस 12 और 5m प्लस 16। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ यही 5 से विभाज्य है, बाकी 5 से विभाज्य नहीं है। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक स्थिति लेकर के डिस्कस करवा दी है, बाकी आपने 4 स्थितियां जो खुद डिस्कस करनी है यहाँ पर, ठीक। और फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो इसकी सॉल्यूशन की पिक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए n क्यूब माइनस n 6 से विभाज्य है। तो जो संख्या दे रखी है आपको यहाँ पर वो क्या दे रखी है, n क्यूब माइनस n, इसके अगर हम फैक्टर बनाए तो n कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ठीक। और n स्क्वायर माइनस 1 एक को कह सकता हूँ 1 का स्क्वायर, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 ये बनेगा। तो यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, या इसको रीअरेंज करके लिखूं तो n माइनस 1 यहाँ लिख दिया, n बीच में और n प्लस 1 यहाँ पर, ठीक। तो n क्यूब माइनस n जो है वो n माइनस 1 n और n प्लस 1 के गुणनफल के बराबर आ जाता है। इसका मतलब ये 3 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है ये, ठीक। अब आपको सिद्ध ये करना है कि ये जो संख्या है n क्यूब माइनस n ये 6 से विभाज्य है, और कोई भी संख्या 6 से विभाज्य कब होती है, जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, ठीक। तो दो पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि 2 से 3 से विभाज्य है, और फिर लास्ट में कर देंगे कि 2 से विभाज्य, वो आपकी मर्जी है, पहले से 2 से कर लो बाद में 3 से कर लो,
ठीक, तो चलो पहले दो वाला ले लेते हैं, कोई बात नहीं। कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक 2m या 2m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। कि यूक्लिड तो देखिए कि यहां पर मैंने क्या लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार n 2m या 2m प्लस 1 के रूप का होगा यदि हम n को 2 से भाग दें, तो n को 2 से भाग देने पर। तो अब यदि n बराबर 2m है, तो यदि n बराबर 2m है तो इसको स्थिति 1 का नाम दे देते हैं, स्थिति 1। ठीक, n बराबर 2m है तो n क्यूब माइनस n किसके बराबर होगा, n की जगह 2m रख दो, 2m माइनस 1 गुणा में n की जगह 2m और ये 2m प्लस 1। ठीक, तो ये 2 गुणा समथिंग आ जाएगा, 2 गुणा m गुणा 2m माइनस 1 गुणा 2m प्लस 1, तो 2 गुणा समथिंग है, तो इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है, ये है ठीक, 2 से विभाज्य है। इसी तरह से स्थिति 2 डिस्कस कर लीजिए। स्थिति 2 में यदि n बराबर 2m प्लस 1 है, तो n बराबर 2m प्लस 1 है तो n क्यूब माइनस n क्या हो जाएगा, n की जगह आपने रखना है 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 और माइनस 1 ये वाला इंटू n की जगह आपने रखा क्या 2m प्लस 1 और फिर 2m प्लस 1 और फिर ये 1 इसका खुद का है। ठीक, तो ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये 2m, 2m प्लस 1 और 2m प्लस 2। तो यहां से फिर देखिए कि 2 एक फैक्टर आ गया, तो ये है 2 से विभाज्य है। ठीक, अब इसी तरह से आपने आगे डिस्कस करना है कि 2 से विभाज्य तो हो गया, क्योंकि 2 एक केस बन रहे थे, दोनों में 2 से विभाज्य हो गया। अब इसी तरह से n को हम लिखेंगे 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 के रूप का, और वो तीनों यहां पर हम फिर पुट कर देंगे, फिर वहां से दिखाएंगे कि 3 से भी विभाज्य है। तो यहां पर अतः संख्या n क्यूब माइनस n 2 से विभाज्य है। ठीक, अब 3 से विभाज्य से करने के लिए हम ये कहेंगे कि यदि n को 3 से भाग दिया जाए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार n 3m, 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप का होगा। अब यहां पर 3 स्थितियां डिस्कस करेंगे। स्थिति यहां पर 1, यदि n बराबर क्या हो 3m हो, n बराबर 3m हो तो n क्यूब माइनस n किसके बराबर थी, n माइनस 1, तो n की जगह अपन क्या रखना 3m, 3m माइनस 1, 3m, 3m प्लस 1। तो देखिए 3 इसमें गुणनखंड आ गया, तो 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3m, 3m माइनस 1, 3m प्लस 1, तो यहां पर 3 क्योंकि ये गुणनखंड है, तो यह 3 से विभाज्य है। ठीक, इसी तरह से हम दूसरी स्थिति डिस्कस करेंगे। तो स्थिति सेकंड,
यदि एन बराबर तीन एम प्लस एक हो तो इस स्थिति में एन क्यूब माइनस एन जो है वो क्या हो जाएगा, एन माइनस एक, एन की जगह मैंने रखा तीन एम प्लस एक और ये फिर माइनस एक और फिर एन की जगह तीन एम प्लस एक और फिर एन की जगह तीन एम प्लस एक, तो एन की जगह रख दिया प्लस एक और है तो ये प्लस एक माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, तीन एम प्लस एक और तीन एम प्लस दो, तो ये भी क्या होगा तीन से विभाज्य है, तीन से विभाज्य है। ठीक, अब अगली स्थिति आप डिस्कस कीजिएगा कि स्थिति तीन में, स्थिति तीन में एन की जगह आपने क्या रखना है, तीन एम प्लस दो रखना है, तीन एम प्लस दो रखोगे तो ये आ जाएगा तीन एम प्लस एक और एन की जगह आ जाएगा तीन एम प्लस दो और ये आ जाएगा तीन एम प्लस तीन। ठीक, अब तीन एम प्लस तीन में से फिर तीन कॉमन ले लेंगे हम, ये फैक्टर तो ऐसे कैसे रखा, ये भी ऐसे कैसे रखा, इसमें से तीन कॉमन ले लिया तो क्या बचा एम प्लस एक, ये तीन कॉमन लेके उन्हें शुरू शुरू में लिख दिया तो ये भी तीन से विभाज्य हो गए। तो अब देखिए कि आपने यहां पर क्या सिद्ध कर दिया कि एन क्यूब माइनस एन दो से विभाज्य हो गए और तीन से विभाज्य हो गए, जब दो और तीन दोनों से विभाज्य हो गए तो छह से भी विभाज्य है तो आपने लास्ट में लिखना है। तो यहां हम देख सकते हैं कि एन क्यूब माइनस एन दो से विभाज्य है और तीन से भी विभाज्य है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए संख्या n क्यूब माइनस एन छह से विभाज्य है। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है और एग्जाम्पल प्रॉब्लम का फर्स्ट चैप्टर भी समाप्त होता है। तो आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।